हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे पास कांच की बोतल से होने वाला दो बहुत ही बढ़िया चैलेंज है, तो वीडियो पूरा देखिए अगर आप इस चैलेंज को सीखना चाहते हैं और हर बार चैलेंज जो वो जीतना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से चलते हैं हम अपने पहले चैलेंज की ओर। तो देख लीजिए, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में रखी हुई एक नॉर्मल कांच की बोतल, साथ ही में है मेरे पास एक 10 रुपये का नोट। यहाँ पर सिंपली आप कोई भी नोट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होगी वो कोई भी कॉइन रहेगा, मैंने यहाँ पर 2 रुपये का कॉइन जो वो यूज़ किया है। अब चैलेंज कुछ ऐसा है, यहाँ पर बोतल के ऊपर आपको रखना है नोट, उस पर रखना है आपको एक कॉइन। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो वो बन गया है। अब क्या करना है, कंडीशन ये देख लीजिए, आपको सिर्फ नोट को ही टच करना है, नोट को टच करना है और कॉइन भी साथ में गिरना नहीं चाहिए। तो क्या आपको इसका आंसर जो वो पता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखे भी नहीं, अब एक बार मैं जो वो फॉर्मूला ट्राई नहीं करूँगा, पर ऐसे ही ट्राई करते हैं हम। नहीं, ऐसी चीज़ तो जो कोई काम नहीं करेगी, जो मुझे इसका आंसर पता है वही इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरे चैलेंज की ओर, बाद में मैं आपको इसके आंसर जो वो बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं दूसरे चैलेंज की ओर। तो दूसरा चैलेंज कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको प्लेस करना है एक नोट, उस पर रखनी है उल्टी बोतल, देखिए कुछ इस तरह से। कंडीशन ये है, ना तो आप टेबल टच कर सकते हैं ना ही आप बोतल टच कर सकते हैं, सिर्फ आप जो टच कर सकते हैं वो चीज़ है नोट। ठीक है, तो ये चैलेंज हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह से निकलेगी बोतल। देखिए नहीं यार, ये जो वो ट्रिक तो काम ही नहीं करेगी, जो हर बार जो किसी भी चैलेंज में काम कर जाती है। तो फ्रेंड्स क्या आपको इसका आंसर पता है तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं आपको इसका आंसर जो वो बताने वाला हूँ दोनों चैलेंज का, जिससे आप दोनों चैलेंज वो आसानी से जीत सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स ये थे वो आज के दोनों चैलेंज, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये चैलेंज आप कैसे जीत सकते हैं, इसके पीछे का जो वो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको दोनों चैलेंज में से कौन सा चैलेंज जो वो पसंद आया और किसका आंसर जो पहले से जानते थे। और अगर आप ये हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस जो नए मैं अपलोड करूंगा वो आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं पहले चैलेंज के सॉल्यूशन की तरफ। ये कुछ ऐसा था, यहाँ पर रखी हुई थी बोतल, उसके ऊपर था एक नोट और उस पर ऊपर था एक कॉइन। तो यहाँ पे कंडीशन ये थी कि कॉइन जो वो गिरना नहीं चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं आप, आपको बस इस तरह से दो उंगली जो वो तैयार करनी है और यहाँ पे जोर से हिट करना है, देखिए किस तरह से, इस तरह से। तो कॉइन जो वो ऊपर ही रह जाएगा और नोट जो वो आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा सोल्यूशन जो वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरे चैलेंज का आंसर जो पहले के मुकाबले काफ़ी सिंपल है करने में, अगर आपको इसका आंसर जो पता है। यहाँ पे चैलेंज ऐसा था कि आपको जो टेबल और दोनों चीज़ों को टच नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, बस धीरे से ऐसे नोट को उठा लेना है, देखिए इस तरह से, और क्या करना है रोलिंग स्टार्ट कर देना है, देखिए इसका नोट का। जैसे ही आप रोल करते जाएंगे जो बोतल है वो धीरे धीरे आगे चलती जाएगी, देखिए इस तरह से, और हमारा नोट जो वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो दोनों चैलेंज यही थे और काफ़ी सिंपल थे। तो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।